वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी से, और हम लोग उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसको पूरा कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आज उसका फोर्थ लेक्चर होने वाला है। होप आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा क्लास। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ हर बार की तरह। एक ब्रीफली हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या समझा था और क्या क्या जाना था। तो टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन टेस्ट। ठीक है, मतलब हम लोगों ने एसिड और बेसिस क्लासिफिकेशन को समझा था टेस्ट के आधार पर, और टेस्ट के आधार पर हमने एसिड और बेसिस, एसिड्स क्या होते हैं हमारे, सार सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, सार मतलब खट्टे। और आपको मैंने ये भी बताया था जो वर्ड एसिड है, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड एसिरे से आया हुआ है, ए सी ई आर ए आर ई सॉरी, एसिरे, जिसका मतलब ही क्या होता है, सार। देन हमने देखा था जो बेसिस है उसका मतलब होता है, मतलब बिटर, ठीक है ना, मतलब बिटर क्या होते हैं, बेसिस, और वर्ड वहीं से आया है। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से चीजों में हमें कौन कौन से टाइप का एसिड देखने को मिलता है। तो हमें मालूम चला था कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब खट्टे फ्रूट होते हैं, खट्टे फलों में हमें देखने मिलता है सिट्रिक एसिड, और उन्हें हम सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं इसी कारण से, सिट्रिक एसिड। साथ ही साथ विटामिन सी जो होता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसिड जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपको बताया था। क्या आप बता सकते हैं टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है, टोमेटो और स्पिनच में? नहीं याद आपको, सोचो जरा। ठीक है, याद होना चाहिए। तो वो कौन सा था, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, देन विनेगर, आप सबने नूडल्स खाए ही होंगे, चाउमीन, उसमें जो यूज होता है चाइनीज खाने में बहुत ज्यादा, इट इज विनेगर। विनेगर इट इज वॉट, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि एंट में कौन सा एसिड मिलता है हमें, तो एंट में हमें कौन सा मिलता है, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज CH3COOH। क्लियर है, चलो। इसके बाद फॉर्मिक एसिड जो मैंने अभी नाम लिया था, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH इज फॉर्मिक एसिड, और इसको हम लोग एंट एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एंटासिड मेडिसिन के भी बारे में बताया था, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज व्हाट, हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके बारे में मैंने बताया था, दिस इज अ बेस। अब तक हमने एसिड की बात की, अब हम बेस की बात कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, देखो एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लोगे तो याद रहेगा वापस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस, दिस इज व्हाट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लुक्स लाइक। ठीक है, इसके बाद एक और बेस के बारे में बताया था मैंने, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है, ऐसे किस तरह यूज करते हैं, विंडो क्लीनर की तरह। देन अगर हम बात करें, एक एसिड छूट गया हमारा, इट वॉज टार्चरिक एसिड। टार्चरिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, टार्चरिक एसिड हमें मिलता है इमली में। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। फिर हमने देखा था नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को, तो हम नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में, हमने नेचुरल इंडिकेटर्स में समझा था कि जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक, एंड जो आप जानते हो क्या, लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि हमें लिटमस कहाँ से मिलता है, तो लिटमस हमें मिलता है लाइकेन से। लाइकेन क्या है, थैलोफाइटा से बिलोंग करने वाला एक प्लांट है, और मैंने आपको बताया था कि लाइकेन कुछ भी नहीं है, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। ठीक है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब पता है आपको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले वाले को फूड देता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की तरफ। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के नाम आप बता दो मुझे, क्या होते हैं बोल लो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है ना, क्या होते हैं, फिनोफ्थलीन, फिनॉल थलीन, फिनोफ्थलीन। ठीक है, स्पेलिंग जहां तक सही होगी, और दूसरी फिनोफ्थलीन हो गया, और दूसरा था मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोफ्थलीन की खास बात क्या है भाई साहब, कि वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है,
और बेसिक में जाने पर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की खास बात क्या है, ये एसिडिक में पिंक रहता है और बेसिक में जाने पर येलो हो जाता है। ठीक है, इसकी हमने एक्टिविटी भी पढ़ी थी, 2.2, 2.3 शायद, मुझे याद नहीं है, देख लेना। लेकिन अल्टीमेटली यही हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, फिर हमने देखा था सोर्सेज ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, अभी मैंने बता दिया आपको। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमने जाना था, तीन होते हैं हमारे पास, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस और अनियंस। ठीक है, और ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है एसिडिक चीज को पहचानने में, एसिडिक केमिकल को पहचानने में और बेसिक्स केमिकल को पहचानने में। ठीक है ना, ये अपनी स्मेल चेंज कर लेता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में देखा था हमने, क्या देखा था, दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, कि जो याद है ना वो जिंक वाली एक्टिविटी, जिंक प्लस H2SO4 वाली एक्टिविटी, उसमें ZnSO4 बन जाता है और H2 गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है ना, ये बन गया अपना ZnSO4 बनेगा यहाँ पर और H2 गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, हम अभी क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे तो आपको समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत आप कनेक्ट कर पाओ। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप फोर्थ लेक्चर पे तभी आओ जब आपने फर्स्ट थ्री लेक्चर अच्छे से देखे। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे कुछ अच्छे से समझ में आएगा और आउटपुट निकलेगा उसका। चलो, फिर इसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.1, 2.2, 2.3, उन्हीं का तो कंक्लूजन था ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई थी। चल, इसके बाद हमने देखा था कि बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में, तो हमें मालूम चला था ये भी हाइड्रोजन गैस को क्या करवाते हैं भाई साहब, लिबरेट कराते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी 2.4 है। फिर क्या है, रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद मेटल ऑक्साइड, कैसे बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ, फिर मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या रिलीज होता है भाई, हर केस में एक तो सॉल्ट बनेगा और रिलीज होने वाली जो गैस होने वाली है वो क्या होती है, CO2 होती है। ठीक है, देन एक्टिविटी 2.5 हमने देखा था, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो यहाँ से क्या याद है आपको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और क्या बनता है यहाँ पर, वाटर बनता है। ठीक है जी, चलिए एक्टिविटी 2.6 भी कवर की थी, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स किया था हमने। एक्टिविटी 2.7, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, और एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 22 पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें वो थी जो हम कवर कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं, आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उन सबकी बात एक बार कर लेते हैं। ठीक है, फिर वन बाय वन सबको देखेंगे, यही हमारे लेक्चर का फ्लो भी रहेगा, मतलब एक के बाद यही सारे टॉपिक आएंगे एक के बाद एक। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड्स और बेसिस में क्या चीजें कॉमन है। एक चीज तो हमें याद है कॉमन है कि दोनों ही जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को क्या कराने वाले हैं भाई साहब, लिबरेट कराएंगे। ठीक है, चलो एक्टिविटी 2.1 देखेंगे, फिर जो रिजल्ट और कंक्लूजन निकले हैं एक्टिविटी 2.8 से उनकी बात करी जाएगी, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं एक्टिविटी 2.8 के लास्ट में, या मैं कहूँ 2.8 के बाद जो पैराग्राफ दिया है उसमें। ठीक है, तो उनके भी आंसर हम देखेंगे। क्लियर है, चलो फिर अब व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, इसकी बात की जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आएगा जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन, आप समझेंगे डाइल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आपने सुना होगा डाइल्यूट H2SO4 होता है, डाइल्यूट HCl होता है, डाइल्यूट बेस होता है, कुछ भी चीज डाइल्यूट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है जी, फिर है एक्टिविटी 2.9, फिर रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी 2.9, फिर एक्टिविटी 2.9 में एक वर्ड यूज किया गया है जो कि है कोरोसिव, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि भाई साहब एग्जैक्टली कोरोसिव मटेरियल होते क्या है, एनसीईआरटी ने सिर्फ लिख के छोड़ दिया कि आप पता लगाओ। ठीक है, और एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर मेरी जिम्मेदारी बनती है जहां जहां पे जो वर्ड आए इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा। देन एक्टिविटी 2.10, दैट इज 2.9, देन रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी 2.10, देन एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस गिवन ऑन 25 पेज नंबर, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सबके डिटेल आंसर और एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दूंगा। क्लियर है, तो आज का मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा आज का हमारा एजेंडा क्या है। एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। ठीक है ना, तो मैंने आपको लिस्ट ही दिखाई। चलिए, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस कॉमन इन देम, एक्ट इन सेक्शन 2.1 यू हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, वी सॉ इन एक्टिविटी दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल,
सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक. ठीक है जी, तो क्या समझ में आया यहाँ से कि हमने देखा था सेक्शन 2.1 में कि जो भी एसिड्स थे उनके पास सेम केमिकल रिएक्शन दे रहे थे. यानी ऐसा नहीं होगा कि जो H2SO4 है अगर वो H2 गैस रिलीज करवा रहा है मेटल के साथ रिएक्ट करके तो HCl नहीं कराएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला. ठीक है ना, एसिड है मतलब H2 गैस रिलीज कराएगा ही कराएगा. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें में कॉमन होती है. ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है सबसे बेसिक चीज कि भाई सब में जो है ये कैपेबिलिटी है कि ये जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या कराएंगे, लिबरेट कराएंगे. तो क्या जो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब जो कॉमन चीज हम इनमें ढूंढ रहे हैं, क्या वो हाइड्रोजन है, इसकी चर्चा करेंगे. ठीक है, और ये हम जानेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू. चलिए देखते हैं क्या है वो एक्टिविटी. तो एक्टिविटी 2.8 आपके सामने है. क्या बोला गया है इस एक्टिविटी में, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे बोलूंगा कि भाई ग्लूकोज वर्ड आया है, क्या आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो जान लो. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. नहीं पता तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लें या फिर एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, एल्कोहल लिया गया है तो लेट सपोज यहाँ पर हम C2H5OH ले लेते हैं. C2H5OH इज वॉट, इथाइल एल्कोहल. ठीक है, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज HCl, देन सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4 एक्सेट्रा. कुछ कुछ हमें यहाँ पर क्या लेने हैं, सॉल्यूशंस लेने हैं. यहाँ पे HNO3 भी लेना है हमको. ठीक है, चल कुछ ऐसे के सॉल्यूशन लेने हैं कुछ चीजों के. फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर. यहाँ पे क्या किया गया, आप एक्टिविटी के जो फोटो दिया हुआ है यहाँ पे फिगर, इस पर आप देख सकते हो ये कॉर्क है. ठीक है, कॉर्क कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है कॉर्क, है ना. आपने कॉर्क को कॉमनली कहाँ देखा होगा, पुराने जमाने में जो बॉटल्स आती थी उनके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है उसे कॉर्क बोलते हैं. आज की डेट में जो वाइन की बॉटल्स आती हैं, ठीक है, जो एक्सपेंसिव बहुत एक्सपेंसिव एल्कोहल होती है उनकी भी जो कैप होता है वहां पर क्या लगा रहता है, कॉर्क. और ये मिलता कहाँ से हमें, प्लांट से मिलता है. और अगर आप 9th क्लास को याद करो तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में सेल को डिस्कवर किसमें किया था, कॉर्क में ही किया था. हालांकि उन्होंने सेल वॉल देखी थी, बट ठीक है हम रिलेट कर सकते हैं. चलो आगे चलते हैं. फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन द बीकर, है ना. ये दोनों का दिया 100 ml बीकर में. कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच. ठीक है, मतलब आपको क्या कर देना है भाई साहब, यहाँ से दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करना है. एक एक नेल से एक टर्मिनल करोगे कनेक्ट, एक कीले से, और दूसरे कीले से दूसरा टर्मिनल कर दोगे कनेक्ट. ठीक है, और बैटरी कितने वोल्ट की लगाने को कहा है, 6 वोल्ट लगाने को कहा है, लगा देंगे. और बटन भी यहाँ पर की रखेंगे हम लोग. ठीक है, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करेंट. डाइल्यूट का मतलब क्या है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो और जो हमारा सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम हो. ठीक है, तो याद रखेंगे डाइल्यूट का मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, हमारा कम होगा. ठीक है, चल फिर यहाँ पे क्या है, स्विच ऑन द करंट, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. देखो जब हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, पहले हम HCl के साथ करेंगे, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, फिर HNO3 के साथ करेंगे. तो जब आप इन सारी चीजों के साथ करेंगे एक्टिविटी, तब आपको दिखेगा कि ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा. ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा. रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन. ठीक है, साथ ही साथ ग्लूकोज का सोल्यूशन भी लेंगे हम इसके बाद में, इसको खाली करके देन एल्कोहल का सॉल्यूशन मिलेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. ठीक है, डस द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, तो आंसर है नहीं, सारे केस में नहीं करने वाला. एसिड के केस में करेगा और बेस के केस में नहीं करेगा. ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है उस पर चलते हैं. द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन. देखो क्या देखने मिलेगा हमें, कि एसिड के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है ग्लूकोज, और एल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. इसका मतलब जो एसिड का सॉल्यूशन है, जो एसिड का सॉल्यूशन है वो एबल है क्या कराने के, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के. और जो हमारा दूसरे दूसरे मटेरियल्स हैं, ठीक है, जैसे देख लो ना, ग्लूकोज में भी एच था, हमारे एल्कोहल में भी एच था, H2SO4 में भी एच है, HNO3 में भी एच है, HCl में भी एच है, लेकिन
जरूरी नहीं है जिसके पास एच हो वो क्या हो, एसिड देखो। ठीक है चलो आगे चलते हैं, यहां से हमें समझ में आया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन एसिड बाय आयंस, थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। देखो क्या होता है ना, चार्ज के फ्लो के लिए, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, खैर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर हम वन बाय वन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि याद रखेंगे, जब भी करंट फ्लो होगा तो हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आपको जो भी दिखे, ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर हो गया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक एक्सेप्शन भी है, इट इज ग्रेफाइट, इट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट वहां ना जाते हुए हम ये समझते हैं, जो भी सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं उनमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और जो भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं? सॉल्यूशन, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा आयन। क्या है भाई साहब? आयन्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें इसीलिए बोला गया है कि भैया जो सॉल्यूशंस हैं, एसिडिक सॉल्यूशन है, वहां पे क्यों हो रहा है फ्लो? आयन्स के कारण हो रहा है। क्लियर है? एसिडिक सॉल्यूशन में आयन मिलेंगे लेकिन ग्लूकोज के सॉल्यूशन में और एल्कोहल के सॉल्यूशन में हमें उतने ज्यादा आयन्स नहीं दिखने वाले, ग्लूकोज में तो नहीं दिखेंगे, ठीक है, एल्कोहल में फिर भी बहुत लेस अमाउंट में दिखेंगे, ठीक है, बट इतना नहीं होगा वो अमाउंट कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दो। ये हायर क्लासेस की बात है, हम अभी वहां नहीं जाते, अभी बस ऐसा समझिए आप कि एल्कोहल एसिडिक नहीं है। ठीक है, एसिड्स कंटेन एच प्लस आयन एस कैटायन एंड एन आयन सच एस सी एल माइनस इन। देखो सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखेंगे आप, जो भी प्लस चार्ज वाली स्पीशी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। ठीक है, कैटायन, इसको याद करने का तरीका क्या है, जब आप प्लस का साइन बनाएंगे तो आप एक ऐसी डंडी खींच रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, उसको काट रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काटना पड़ा, तो ऐसे याद रख सकते हो दिस इज कैटायन। उसके बाद जब आप माइनस के चार्ज की बात करेंगे तो वहां पर जब भी माइनस का चार्ज जिस भी स्पीशी पे दिख जाए, यानी एच प्लस पे दिख गया आपको, सी एल माइनस पे दिख गया, एच एन ओ थ्री माइनस हो गया, है ना, एस ओ फोर टू माइनस हो गया, तो एच प्लस इज वॉट? कैट आयन। बट जो भी माइनस वाली स्पीशी, उन सबको आप क्या बोलेंगे? एन आयन बोलेंगे। ठीक है, और याद रखने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये सारे हम लोगों को क्या देखने वाले वहां पर आयन्स दिखेंगे। ठीक है, सी एच थ्री सी ओ एच इज वॉट? एसिटिक एसिड। इसके सॉल्यूशन में सी एच थ्री सी ओ माइनस आयन होंगे और एच प्लस आयन होंगे। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज एच प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, देखो हर जगह पर एसिड के केस में हमें क्या मिला? एच प्लस आयन मिला। तो हम लोग यहां से ये बता सकते हैं कि जब भी आप एसिड का सॉल्यूशन बनाओगे वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, क्या देगा एसिड? एच प्लस आयन देगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, ये देखो एच प्लस एक्वस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एच प्लस एक्वस का मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन में आपको आयंस देखने को मिल रहे हैं जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एसिड्स की प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलाई सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, व्हाट डू यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, इस एक्टिविटी के बाद आगे क्वेश्चन दिए हैं, इनकी चर्चा करनी है हमें, तो इस क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर करी गई है। ठीक है चलो, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि भैया जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने वाली, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने वाली, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इससे ये समझ जाओ कि एसिड सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक सॉल्यूशंस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आई होप आपको पता हो, नहीं पता तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज वॉट? CaOH होल ट्वाइस, इट लुक्स लाइक दिस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है भाई, चलो व्हाट कैन यू कंक्लूड, तो मैंने आपको बताया ना कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बेसिक सॉल्यूशन आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है चलो,
अब इसके बाद हम चलते हैं आगे हमारी, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, मतलब कि हम लोग वाटर, अब ये देखेंगे कि वाटर सॉल्यूशन में आप एसिड को डाल रहे हैं तो क्या दिख रहा है, हमें क्या हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है वहां पर क्या हो रहा है, और बेस को डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द अपैरेटस, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, इसमें देख लो ड्रॉपर्स, ड्रॉपर से क्या डालेगा ये, अभी कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेगा, लेकिन पहले क्या डाल के रखा है यहाँ पर, 1 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl इज वॉट, सोडियम क्लोराइड, रोज हम खाते हैं इसको, ठीक है, टाटा नमक, देश का नमक, और भी बाकी जो भी नमक है सब में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड, क्लियर है। चलो होप ये आपको क्लियर होगा। एड सम सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डालने हैं यहाँ पर हमें, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड का मतलब है जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम हो और सॉल्यूट की क्या हो, ज्यादा हो, कुल मिला के जब भी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड आए तो आप ये समझ लेंगे वहां पे जो सॉल्वेंट है वो कम है, वो बहुत कम है, कंसंट्रेटेड में क्या होने वाला है, सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट ज्यादा होगा, क्लियर है, होप आपको ये समझ में आया हो। फिर यहां से क्या है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब, यहां से डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी, ठीक है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, देखो यहां से जो गैस निकलने वाली है इसको बोला गया है आप ड्राई लिटमस पेपर से चेक करें और वेट लिटमस पेपर से चेक करें, तो आपको क्या देखने मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो गैस निकलेगी वो होगा HCl गैस होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, HCl गैस लिबरेट होगी यहाँ पर, किस किस की सॉल्यूशन, किस किस का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, NaCl का और H2SO4 का, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें 2NaCl लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा Na2SO4, Na2SO4 प्लस 2HCl, क्लियर है, होप आपको ये समझ आया होगा ये रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बन, और HCl किस फॉर्म में बन रही है, गैस के फॉर्म में बन रही है, ठीक है भाई। देखो ऑन द बेसिस ऑफ, देखो लिटमस पेपर चेंज देखा, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज, तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलने वाला है कि जब आप वेट लिटमस पेपर लोगे तब आपको लिटमस पेपर का जो कलर है वो कैसा मिलेगा, चेंज मिलेगा, ब्लू से क्या हो जाएगा, वेट लिटमस पेपर, याद रखेंगे वेट लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है, और वहीं अगर आप ड्राई की बात करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या मालूम चलता है, देखो एक्टिविटी, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सॉल्यूशन, तो भैया ड्राई HCl जो है वो बेसिक है, ठीक है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, और जैसे ही वो वाटर में आ गया तो बदमाश हो गया, एसिडिक कैरेक्टर शो करने लग गया, क्लियर है। अभी हम ये भी देखेंगे कि भाई साहब वाटर ऐसा क्या कर देता है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा बट मैं बताऊंगा आपको, वाटर ऐसा कर क्या रहा है कि वहां पर जो जो हमारा HCl का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक दिख रहा है, क्लियर है। एसिडिक सॉल्यूशन की निशानी तो हम जान चुके ना, उसमें क्या होगा, H प्लस होगा, ठीक है। क्वेश्चन, इफ द क्लाइमेट, लिखा है नोट टू द टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल ऑब्जर्व यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस, यहाँ से क्या खास बात निकल गया है कि अगर देखो एटमोसफेयर में ह्यूमिडिटी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, तो अगर अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो HCl गैस निकलेगी और जो एटमोसफेयर की ह्यूमिडिटी है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, है ना, और वापस से वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर देगी, जबकि उसे करना था बेसिक, अगर ड्राई लिटमस ले रहे थे तो हमें इस एक्टिविटी को सही तरीके से उस एनवायरनमेंट में कैसे परफॉर्म करेंगे, हम जो HCl गैस निकलने वाली है उसे हम लोग एक ड्राइंग टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं, ड्राइंग ट्यूब जिसे बोलते हैं गार्ड ट्यूब, इसमें क्या भरी रहती है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भरा रहता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और ये ड्राई कर देगा उस गैस को, HCl गैस को, क्लियर है, तब यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपके ऑब्जर्वेशन खराब हो जाएगी ना, अगर एटमॉस्फेयर की वो, तो तुम्हारा लिटमस पेपर जो है वो ड्राई नहीं, मतलब लिटमस पेपर जो है जब वो ड्राई नहीं होगा तब ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन लिटमस पेपर ड्राई है, उसने जो है गैस ने वो मॉइस्चर कहाँ से अब्जॉर्ब किया, एटमॉस्फेयर से, तो वो एसिडिक शो करेगी ना, तो गलत हो जाएगी एक्टिविटी,
इसीलिए यहाँ पे ये आपको ध्यान रखने को बोला है। साथ ही साथ यहाँ से इम्पोर्टेंट के समझ में आया कि जो गार्ड ट्यूब या फिर ड्राइंग टेस्ट ड्राइंग ट्यूब होती है उसमें क्या भरी रहती है, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि गैस के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती है। क्लियर है? चलो, होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना भाई? आगे चलते हैं। द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन एच सी एल आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ एच प्लस आयन फ्रॉम एच सी एल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया, मैंने आपको बताया ना कि जो वाटर है उसी के प्रेजेंस में जो एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन है वो कब बनेंगे, जब वाटर में घुलेगा एचसीएल। ठीक है ना, द सेपरेशन ऑफ एच प्लस आयन फ्रॉम एचसीएल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और जब रिएक्शन होती है एचसीएल की वाटर के साथ में। अच्छा चलो, ये तो मैं अभी बताता हूँ, लिखी हुई है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाटर ऐसा क्या करता है कि भैया वो आयन्स में तोड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, वाटर ऐसा क्या करता है? ठीक है, देखो, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में, अगर आप मान लो नहीं याद है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, समझो, 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी होगी। इस ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बहन है या भाई है, जो बोलना बोल दो, सेम टू सेम है, जो आपको मिलता है आगे की हायर क्लासेस में, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है, देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मतलब क्या है, दो मासेस के बीच का फोर्स, दो मासेस के बीच का फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स। ठीक है भाई, प्लस प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, और माइनस माइनस होगा तो भी रिपेल कर रहा होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको देने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे हमारे कूलाम। ठीक है, कूलाम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, यानी जो दो आयन्स हैं, चाहे वो प्लस, भाई चार्ज क्या है, आयन जो होगा ना, प्लस वाला और माइनस वाला, तो दो आयन्स कहाँ पर है, अगर वो एयर में है, अगर वो एयर में है, जैसे एयर में गैस थी एचसीएल गैस, ठीक है, तो एचसीएल गैस कहाँ है, एयर में है, तो एयर में ये फोर्स सबसे ज्यादा होता है। ये फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, तो एयर में ये फोर्स सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप वाटर में आ जाओगे, जैसे ही आप वाटर में आ जाओगे, तो ये जो फोर्स है ये 80 गुना कम हो जाएगा। यानी सपोज करो कि एयर में फोर्स लग रहा था 1, या हम बोल दें एफ, एयर में फोर्स लग रहा था एफ, तो एचसीएल एचसीएल के बीच में, एच प्लस और सीएल माइनस के बीच में फोर्स लग रहा था एफ। देखो, मैंने ये बताया था ना, डिफरेंट होगा चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। जैसे ही हमने वाटर में डाला, जैसे ही हमने वाटर में डाला, ये फोर्स हो गया एफ अपॉन 80। इसका मतलब है 80 गुना हो गया कम, समझ गए बात को? तो अब ये दोनों एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये 80 क्या होता है, देखो, वाटर के लिए अलग होता है, ऑयल के लिए अलग होता है, सारे मीडियम के लिए जो हमारा ये वैल्यू है कि कितने गुना फोर्स कम हो जाएगी, ये अलग है। इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हायर क्लास में पढ़ना है आपको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में। लेकिन क्या था, अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझाता तो आपका बेस नहीं बनता। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि भैया वाटर में ही क्यों डिजोल्व हो रहे हैं। सॉल्ट डालोगे, NaCl क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पानी में डाल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। HCl गैस के फॉर्म में है, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन नहीं है वहां पर प्रेजेंट, अलग अलग जुड़े हुए हैं। ठीक है, पानी में डाल दिया, 80 गुना फोर्स कम हो गया, H प्लस आयन मिल गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में अपने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। चलो,
अब यहाँ पर हम लोग बैक टू द टॉपिक कि भाई HCl और H2 के बीच में जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, H3O+। दिस इज व्हाट हाइड्रोनियम आयन, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है, जो H+ आयन है ना, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता वॉटर के अंदर, वो किसके फॉर्म में करता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में करता है। क्लियर है? और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, H3O+। डन। चलिए, हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये H+ आयन आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा एक्वस में, तो आप जो अगला है पढ़ने वाला वो ये समझ जाएगा, अच्छा भाई एक्वस में है मतलब ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में है, ठीक है, या फिर H3O+ के फॉर्म में, देखो जैसे यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, हैव यू सीन दैट एसिड गिव H3O+ और H+ आयन इन वॉटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन वॉटर। अब तक हमने किसके बारे में बात की भाई, पूरी कहानी समझ ली एसिड के बारे में, अब हम किसकी बात करेंगे, बेस की बात करेंगे। क्लियर है? चलो, NaOH सॉलिड गिव्स, ये H2 मतलब वॉटर में घोला जा रहा है यहाँ पर इसको, ठीक है, इन वॉटर गिव्स Na+ एक्वस Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस। ठीक है, OH- जैसे देखो आप H+ को क्या बोलते हो, हाइड्रोजन आयन बोलते हो H+ एक्वस को, ठीक है, ये अगर कहीं पर H3O+ लिखा उसे ही बोलते हो हाइड्रोनियम आयन बोलते हो, वैसे ही जो हमारा ये जो OH- है दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलेंगे आप इसको, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? होप क्लियर होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, देखो यहाँ पे KOH, KOH मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है सिंबल याद करने का, कि आप अपने हाथ से पीरियोडिक टेबल बनाओ और अपने कमरे की दीवार पर टांग लो, सिर्फ टांगना नहीं है रोज देखना भी है, तो रोज देख देख के याद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपका भाई बहन है या मम्मी है, आप उनको बताओ, मम्मी मेरे से ये पूछा करो, बताओ पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, तो मैं बोलूंगा के, तो आप समझ जाना मैं सही आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ज्यादा ज्यादा उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है तो, ठीक है ना, तो आप उन्हें बोल सकते हो ऐसा कि मम्मी मेरे से पूछते रहा करो, लिस्ट दे दो अपनी मम्मी को, समझा दो उन्हें क्या कैसा है, तो वो आपसे पूछते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। कोई भाई बहन है आपके साथ तो आप उसे भी लगा लो, ठीक है ना, कि पूछते रहा कर भाई मेरे से या बहन मेरे से, मुझे याद हो जाएंगी चीजें, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार याद होगा। ठीक है, चलो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H2O में डालोगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, K+ और OH- आयन मिलेगा। फिर MgOH वोल्ट वाइज, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, H2O में डालने पर Mg2+ आयन मिला और 2OH- मिला, बेसिकली दो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वॉटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वॉटर आर कॉल्ड एल्कलाइज, एल्कलीज। ठीक है, तो बेसिकली यहां से हमें क्या मालूम चला कि जो एसिड है वो हमेशा क्या देने वाला है भाई साहब, H+ आयन देगा, और जो बेस है वो हमेशा हमें, जो बेस है वो हमेशा हमें OH- आयन देगा। क्लियर है? समझ गए? चलो आगे चलते हैं, और यहां से एक और चीज मालूम चलती है भैया, कि जो भी ऐसे एसिड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल है, एसिड्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, एसिड्स बोल रहा हूं, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलाइज। ठीक है, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कलीज। ठीक है, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर करते हैं इन सारी चीजों को, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो लिखा है, डू ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वॉटर, ऑल एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजोल्व इन, एन एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वॉटर, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ठीक है, Which of the bases in table 2.1 are alkali? Basically, जो घुल गया वो alkali, जो नहीं घुला वो non alkali। ठीक है, और basically ये याद रखना, जो strong base होता है ना, जो strong base है उसको हम लोग alkali बोलते हैं। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कलाई। और दूसरी डेफिनेशन क्या है अल्कलाई की? ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, दैट इज व्हाट अल्कलाई। अब यहाँ पे एक वर्ड आया दैट इज कोरोजिव, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये सोपी टू टच तो जानते हो, छू कर देखोगे तो स्लिपरी होगा, है ना, बिटर होगा टेस्ट में, और कोरोजिव। अब वर्ड आया कोरोजिव, तो कोरोजिव क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अ कोरोजिव मटेरियल इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑब्वियस डैमेज टू लिविंग टिश्यू, ठीक है। बेसिकली कोरोजिव सब्सटेंस या कोरोजिव मटेरियल क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये कॉज करता है ऑब्वियस डैमेज, यानी करेगा ही करेगा, लिविंग टिश्यू को डैमेज करेगा, ठीक है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। कोरोजिव एक्ट आइदर डायरेक्टली बाय केमिकली डिस्ट्रॉइंग द पार्ट, ठीक है। बेसिकली कोरोजिव दो तरीके से काम कर सकता है, या तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, उस जो पार्ट है उसको डैमेज कर देगा, ठीक है, केमिकली डिस्ट्रॉय कर देगा, या इनडायरेक्टली करेगा बाय कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, यानी जलन होगी वहां पर। दोनों तरीके से कर सकता है। एसिड एंड बेसिस आर कॉमन कोरोजिव मटेरियल, ठीक है, एसिड और बेसिस जो है वो कोरोजिव मटेरियल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसा है कि सारे के सारे एसिड और सारे सारे बेसिस कोरोजिव नहीं होते। ऐसे एसिड जिनका जो पीएच है वो लेस देन 2.0 हो, ठीक है, जिनका पीएच 2 से कम हो। पीएच हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, बट अभी समझ लो, ठीक है। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे आप बस इसका फुल फॉर्म समझ लो, ठीक है। और दूसरी चीज, जिनका पीएच क्या होगा, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 12.5, ठीक है, आर कंसिडर्ड टू बी कोरोजिव, यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं भैया, कोरोजिव होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। हाँ, यहाँ पे क्या है, नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट एच प्लस आयन एंड ऑल बेसिस जनरेट ओ एच माइनस आयन, कैन वी व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन तो यही होती है ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने मान लिया कि एच एक्स एसिड है, एच तो रहेगा ही एसिड है, तो वो एच प्लस आयन उसके पास में, ठीक है, और जो एक्स है वो कोई भी चीज है, ठीक है। मान लो H2SO4 है वहां पर, या Cl है वहां पर, NO3 है वहां पर, कुछ भी हो सकता है, एक्स समथिंग कुछ भी, प्लस MOH, ठीक है, OH तो रहेगा ही रहेगा। अब M कुछ भी हो सकता है, Na हो सकता है, ठीक है ना, Ca हो सकता है, Mg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से क्या होता है, जो X और M है वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और बनता क्या है, HOH गिव्स। मैं यहाँ पर गिव्स का एरो लगाना भूल गया, मैं उसको जरा सा लगा देता हूँ। यहाँ पे गिव्स क्या मिल रहा है हमें, MX मिल रहा है, प्लस HOH, HOH इज वॉट, H2O लिख सकते हो ना उसको आप वहां पर। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, हमारी इक्वेशन, ठीक है। ये देखो यहां से ये H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस मिलके क्या बना रहे हैं भैया, वाटर बना रहे हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर आया वो कहां से आया, H प्लस लाया था कौन, एसिड, और OH माइनस लाया था बेस, दिस इज H2O एंड इट इज लिक्विड इन स्टेट, क्लियर है। यहाँ पर लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स विद एसिड और बेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस में क्या फर्क पड़ता है अगर हम उसमें क्या मिलाए, वाटर मिलाए, ठीक है। चलो तो एक और एक्टिविटी आएगी आपके सामने, दिस इज एक्टिविटी 2.10, दैट इज एक्टिविटी 2.10। क्या करना है, टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में हमें क्या लेना है, 10 ml पानी लेना है, ठीक है, ये हमने ले लिया पानी। इसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे यहाँ पे, कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। इतनी आसानी से वैसे नहीं डलता है लेबोरेटरी में, बहुत सावधानी से आपको डील करना है उसके साथ में, ठीक है, काफी हानिकारक होता है, ठीक है। एंड स्वर्ल एंड स्विल द बीकर स्लोली, स्विल द बीकर यानी इसको गोल गोल हल्का सा घुमाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमाना है हल्का सा, टच द बेस ऑफ द बीकर। फिर क्या करना है, हमें बेस ऑफ द बीकर को टच करना है। इज देयर एनी टेम्परेचर चेंज, तो हाँ आपको यहाँ पर टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर कैसा हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा, बीकर बहुत गर्म हो चुका होगा, ठीक है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो चैप्टर वन में याद है ना मैंने आपको बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है,
तो एक्सोथर्मिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिस भी मीडियम में वेसल में रिएक्शन हो रहा होगा वो गर्म हो जाएगी हीट के लिबरेट होने के कारण, तो यहाँ पे हम इसको क्या नाम देंगे, एक्सोथर्मिक। वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, वेसल ठंडी हो जाएगी। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। तो यहाँ पे आपको सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, सेम ऑब्जर्वेशन की दोनों ही कंडीशन में, एसिड और बेस के कंडीशन में जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, सेम। मतलब दोनों ही कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है, दिस दीज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है भाई, चलो चलते हैं आगे। क्या बोलती है एनसीईआरटी, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग। देखो ये ना वार्निंग साइन, वार्निंग साइन डिस्प्लेस्ड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसेंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। देखो ये दिखा रहा है कि भाई ये इतना ज्यादा एसिडिक है कि ये आपको जला कर रख देगा, खत्म कर देगा। टोटली कैसा है, कोरोजिव है, ठीक है ना, लिविंग टिश्यू को डायरेक्ट क्या करेगा, डैमेज पहुंचा देगा, चाहे नॉन लिविंग मटेरियल हो कुछ भी हो, एनीथिंग, उसको खत्म कर देगा, जला देगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वॉटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। बता चुका हूं मैं आपको, ये केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वॉटर, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। आई ग्लास भी पहनना पड़ता है, ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं, ठीक है। और तो और जो कोई सीनियर है उसकी गाइडेंस में ही करते हैं, वहां पर लैब अटेंडेंट की गाइडेंस में कर सकते हैं, टीचर की गाइडेंस में करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वॉटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ठीक है, धीरे धीरे करके हिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है एसिड को। इफ वाटर इज एडेड टू कंसेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, यानी अगर आप एक बार में बहुत सारा पानी डाल दोगे ना तो एसिड उछल कर आप पर भी आ सकता है, ठीक है, और अपन जल भी सकते हैं और जलेंगे ही, दूसरी चीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान दें। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, ग्लास कंटेनर ब्रेक हो सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन वन ऑन द कैन ऑफ द कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, ठीक है ना, ये वार्निंग साइन आपको देखने को मिलेगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वॉटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स, ठीक है। अच्छा इस बात से पहले ना मैं आपको बॉटल पर वार्निंग साइन दिखता कैसे है एक बार ये समझाता हूं, ठीक है, मुझे एक सेकेंड बस दो, तब तक रिवाइज कर लो अपना, सोचो जरा क्या क्या बताया मैंने अब तक, है ना, सोच लो। देखो तो फोटो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये देखो, होप आपको फोटो दिख रहा हो। इसको मैं कोशिश करके थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से देखने में सुविधा हो, परेशानी ना हो। जूम तो हो नहीं रहा, और बट देखो आपको ये वार्निंग साइन दिख रहा होगा, नहीं तो इसको हम डाउनलोड कर लेते, समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको साइन देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ और अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है, ये क्लियर यही साइन देखने मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे चला जाए, अब वापस से एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो ये अच्छा, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इसका मतलब क्या, इस लाइन को समझो। बेसिकली मान लो आपके पास पहले 500 ml ऑफ वाटर में सॉल्यूशन था, सपोज करते हैं अंदर 500 ml ऑफ वाटर था और इसके अंदर बहुत सारे आयन्स होंगे, बट हमने मान लिया कि 50 आयन्स प्रेजेंट थे। कितने थे, 50 आयन्स प्रेजेंट थे, तो आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आयन्स रहेंगे ऊपर और वॉल्यूम रहेगी नीचे, तो आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकलेगा 1/10, यानी हर 10 ml में आपको एक आयन देखने को मिल रहा है अभी,
हर 10 ml में कितने आयन देखने को मिल रहे हैं भाई, एक आयन देखने को मिल रहे हैं एच प्लस के, सपोज कि हमने मान लिया, ठीक है ना। ऐसा होगा नहीं 50 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बट हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना कि यहाँ पर हमारे पास कितने भाई, हर 10 ml में एक एच प्लस का आयन था। अब इसमें क्या करा आपने, पानी मिलाया, आपने क्या करा पानी मिलाया, पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, 500 ml और पानी मिला दिया। तो अब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया आपका, 1000 ml हो गया, क्लियर है, 1000 ml हो गया। पर आयन अभी भी कितने हैं, 50 ही हैं। और अब हम निकालो आयन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज व्हाट, अगेन 50/1000 होने वाला है ये। तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, एंड दिस विल बिकम 20। तो क्या हुआ, 1/20। इसका मतलब है हर 20 ml में अब कितना प्रेजेंट है, एक आयन प्रेजेंट है, हर 20 ml में एक आयन प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, इट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। समझ गए, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और एसिड और बेस को हम क्या बोलेंगे कि अब वो क्या हो गए, डाइल्यूटेड हो गए भाई, ठीक है। खुद आपने अपनी आंखों से देखा पूरा सब कुछ कैलकुलेशन करके, समझ में आया, ठीक है। आप चाहो तो किसी और एग्जांपल को लेकर भी देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे इस लेक्चर के लास्ट पार्ट पे, जो कि है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस यहाँ भी लिखे हुए हैं और मैंने जहां इनके आंसर बताए वहां भी हैं। तो चलो हम यहां से देखते चलते हैं और मैं आपको समझाते चलता हूँ, ठीक है। चलो, व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो आंसर आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो एच प्लस आयन दे देते हैं, ठीक है, और बाकी वो नहीं दे रहे थे ग्लूकोज। देखो, व्हेन HCl और HNO3 आर मिक्स विद वाटर देन दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एच प्लस और H3O+ आयन, H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, विच शोज एसिडिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल जस्ट सी द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो HCl एक्वस यानी इसको पानी में डाल चुके हैं आप, तो क्या मिला आपको, H+ एक्वस मिला प्लस Cl- एक्वस मिला। तो यहां से क्या होने वाला है, H+ एक्वस और H2O मिलकर बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन, क्लियर है, ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। लेकिन वहीं आप ग्लूकोज डालेंगे तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, अल्कोहल डालेंगे तो ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। व्हेन अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर मिक्स विद वाटर दे डू नॉट डिजोल्व टू फॉर्म आयंस, दे हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, क्लियर बात है भाई। चलो आगे चलते हैं, व्हाई डू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वापस से सेम आंसर, बिकॉज इट हैज आयंस। तो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है, मैंने आपको समझा चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, आगे चला जाए, चलते हैं। व्हेन ड्राई व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस, याद है ना आपको, बिकॉज वॉटर की जरूरत होती है एच और सीएल को सेपरेट करने के लिए। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी भाई साहब, ठीक है, और भाई साहब की बहन जी, आप वहां से समझ सकते हो, ठीक है भाई। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर इन, ये तो बता दिया मैंने, कलर ऑफ द लिटमस चेंजेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, HCl कैन प्रोड्यूस दीज आयन्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, हेंस ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, क्लियर है, ड्राई लिटमस पेपर कलर नहीं बदलेगा। व्हाइल डाइल्यूटिंग इन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, बिकॉज इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, यही इसका आंसर बनने वाला है, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इसमें बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होगी और हो सकता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक इफ इट इज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे दे देन मे द मिक्सचर स्प्लैश आउट एंड कॉजेज सीरियस बर्न्स, देयरफॉर इट इज रिकमेंडेशन दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर केयरफुली, क्लियर, एसिड डालेंगे वाटर में आप, एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, ठीक है, नहीं एक्सीडेंट हो सकता है। दोनों ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन दूसरी वाली जो है जब आप वाटर में एसिड डाल रहे हैं
वो थोड़ी कम हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। चलो, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अभी बताया वॉल्यूम पर यूनिट, सॉरी आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसी को तो हम डाइल्यूशन बोल रहे थे। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड देन इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। स्ट्रेंथ समझते हो, यानी वो कितना एसिडिक था उसकी स्ट्रेंथ, एसिडिटी जो थी उसकी वो ज्यादा थी, और मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, उसमें नंबर ऑफ एच प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन ज्यादा थे, ठीक है। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ हाइड्रो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। पीएच पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ एच प्लस आयन अब क्या हो गए हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, ठीक है। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब अब ये बोल रहे हैं उल्टा कर दो, पहले वाटर मिला रहे थे तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे थे, अब आप उल्टा कर रहे हो मतलब और ज्यादा बेस मिला रहे हो, तो जब और ज्यादा बेस मिलाओगे तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, यानी ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मोर कंसेंट्रेटेड, यानी मोर यहाँ पर बेस मिलाया बेस में तो मोर बेसिक हो जाएगा। देखो, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस। सीधी बात है ना, समझ चुके हैं आप यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे बोला गया है बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया जो भी मैंने आपको बताया, पसंद आने से बेटर है कि आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही और नए लेक्चर्स आते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, कोरोना काल चल रहा है, सारे प्रिकॉशंस लो, घर के अंदर रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो यार चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में टुमारो।